हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ओपन की एक और न्यू वीडियो। कैसे हो आप सभी? तो मुझे अभी तक 22,000 किलोमीटर हो चुके हैं बाइक को चलाते हुए, मतलब बाइक 22,000 किलोमीटर चल चुकी है और 14 महीने भी मुझे बाइक को चलाते हुए हो गए हैं। तो फिलहाल मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक रिव्यू वीडियो बना दिया जाए, जिससे आपको एक मोटिवेशन मिले या एक आपको लाइन मिल जाए बाइक को ख़रीदने के लिए, आपको कोई भी हिचक ना हो खरीदते टाइम, बाइक वैल्यू फॉर मनी है कि नहीं है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। जो लोग मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो उन्हें मालूम है मैंने बाइक 2020 में ख़रीदी थी और अभी तक मुझे बाइक को खरीद 2019 में ख़रीदी थी सॉरी, और मुझे 14 महीने बाइक को चलाते हुए हो चुके हैं और बाइक चल चुकी है 22,000 को। दिखा देते हैं एक बार ओडोमीटर में, 21,928 किलोमीटर अभी बाइक चल चुकी है ओवरऑल, और जो एवरेज स्पीड है हमारी 33 किलोमीटर पर आर की है और यहाँ पर अभी हमको 47.6 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज मिल रहा है। और बाइक के अपन बिल्ट क्वालिटी की बात करें तो प्लास्टिक बहुत ही शानदार है बाइक का। इसमें हल्के हल्के स्क्रैचेस आ गए हैं, ये देखिए, तो ये सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं इसमें टैंक में। बाकी यदि कोई छोटा बच्चा या कोई भी होगा या घिसेगा इसे तभी स्क्रैच आएंगे, ऐसे अचानक से कुछ रखने से या अपने हाथ वगैरह से या धोने से कोई भी स्क्रैचेस नहीं आता है। तो बाइक का प्लास्टिक है वो भी बहुत शानदार है। फिर इसके बाद यहाँ का ये जो स्टिकर है ये ख़राब हो गया था, क्योंकि हम लोग अभी राइड पर गए थे तो बैग वगैरह ऐसे टांगे हुए थे और नॉर्मल थे, रस्सी से बांधे थे, तो ये सारे जो स्क्रैच हैं और ये वाला जो लोगो है ये निकल गया था। और बाइक के इंडिकेटर्स दोनों ही टूट चुके हैं, ये वाला इंडिकेटर भी, ये वाला इंडिकेटर भी। तो इंडिकेटर्स तो मैं बोलूँगा कि भाई LED होने चाहिए और थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। और इसके बाद अभी तक मुझे बाइक में सिर्फ ब्रेक शू चेंज कराने पड़े हैं, वो भी अभी पीछे वाला ब्रेक शू मैंने चेंज कराया है और टायर वगैरह और बाकी जो नॉर्मल सर्विस होती है बाइक की मैंने अभी तक वही कराई है। 22,000 किलोमीटर चलने पर मुझे हर सर्विस पर लगभग 1200-1300 या 1400 रुपए लगते हैं। बाइक के कंफर्ट की बात करें तो मैंने सिटी में भी चलाई है, रेगुलर लॉन्ग राइड भी की है और मैंने इसे 10 दिन में लगभग 3500 किलोमीटर चलाया था। आप लोगों को देखना है तो मेरा केदारनाथ वाला ब्लॉग आप देख सकते हो, जिसमें मैंने इसका रिव्यू भी दिया था और बताया भी था कि लॉन्ग राइड में बाइक कैसा परफॉर्मेंस करती है। बाकी मुझे इतनी कंफर्टेबल बाइक लगती है कि आपके ना ही हाथ दर्द करने वाले हैं, ना ही आपकी कमर दर्द करने वाली है और ना ही आपकी पीठ दर्द करने वाली है, क्योंकि इसका जो बैठने का पोस्चर है वो बहुत शानदार है और अपना थोड़ा जो हाथ है वो बहुत कम्फर्टेबल होते हैं। इसके बाद अपन लाइट की बात करें तो बाइक की लाइट भी बहुत शानदार है, बहुत तेज जलती है। बस ये है, रात में आप 100 के ऊपर नहीं चला सकते इस लाइट में। यदि आपको चलानी है तो आप अलग से फॉग लैंप लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और टायर्स भी अभी मैंने चेंज नहीं कराए हैं। और इसके बाद अपन चैन सॉकेट की बात करते हैं, तो चैन स्पॉकेट चेंज कराना है क्योंकि वो खराब होने वाला है। आप देख सकते हो ऐसा हो चुका है चैन स्पॉकेट और अब आवाज़ करने लगा है, क्योंकि इसे 22,000 हो चुके हैं किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर में से चेंज कराना ही कराना पड़ता है, क्योंकि 20 किलोमीटर में हमने 2,000 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चला दिया अभी बाइक। बाकी बात करें अपन ब्रेकिंग सिस्टम की तो भाई ब्रेक बहुत शानदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सिंगल चैनल ABS है, अभी डुअल चैनल ABS आने वाला है बाइक में, हो सकता है कि मार्च तक आ जाए, लेकिन सिंगल चैनल ABS में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ब्रेकिंग सिस्टम बहुत शानदार है बाइक का, आप 100 के ऊपर भी चलाते हो तो ब्रेक बहुत आसानी से लगते हैं और बहुत शानदार लगते हैं और कंट्रोलिंग बहुत शानदार है बाइक की। आपको लगता होगा कि ये हैंडल मतलब बाइक नेकेड बाइक है तो कंट्रोलिंग उतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन बहुत शानदार कंट्रोलिंग है। इसके बाद अपन बात करें सीट की, तो भाई सीट इसकी काफ़ी अच्छी है, मुझे इस सीट का कोई भी इशू नहीं लगा है। यदि किसी भाई जन को तीन बैठना है तो आपको सीट का इशू लगेगा ही लगेगा, लेकिन दो जन के लिए काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। मतलब दो जन जिसको घूमना है, दो जन बिठालना है, भाई दो जन के लिए बहुत शानदार कंफर्टेबल सीट है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बैटरी का कोई इशू नहीं आया है अभी तक, मुझे 14 महीने चलाते हुए हो गए हैं और अभी तक बाइक में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, और ना ही इंजन से आई है, ना ही ब्रेक शू वगैरह और जो बाहरी रहता है जो सब चीज़ें रहती हैं, ये प्लास्टिक क्वालिटी या आप कह सकते हो जो कलर वगैरह है, किसी किसी बाइक का कलर उतना अच्छा नहीं लगता है, तो कलर वगैरह में भी कोई इशू नहीं आया है।
और टायर्स वगैरह में भी कोई इश्यू नहीं आया। खैर अब 22,000 किलोमीटर चल गई है, हर टायर की जो लाइफ रहती है वो 30,000 किलोमीटर रहती है, तो अभी 8,000 किलोमीटर और चलेगा और टायर अपन को बदलवाने ही पड़ेंगे। बाइक की प्राइसिंग की बात करते हैं तो 1,72,000 मुझे उस टाइम पड़ी थी 2019 नवंबर में, और अब बाइक की प्राइस 10-15,000 बढ़ चुकी है। लेकिन जो बाइक ने मुझे परफॉर्मेंस दिया, बाइक का टॉर्क और बाइक की जो पावर है और बाइक का माइलेज है, हाँ माइलेज की बात मैंने करी नहीं, तो बाइक मुझे माइलेज 40-50 के अराउंड दे देती है, 47-50 इतना माइलेज मुझे आराम से दे देती है बाइक। तो माइलेज की आप टेंशन ना लो, बहुत शानदार माइलेज आपको मिलने वाला है। बाकी तभी मिलेगा माइलेज जब आप बाइक को मेंटेन करके रखोगे, यदि बाइक को मेंटेन नहीं कर रहे हो तो आपको माइलेज उतना अच्छा मिलने वाला नहीं है। और इसमें एक प्रॉब्लम और है, इसकी टेल लाइट बहुत ही जल्दी टूट जाती है, जैसे किसी का भी थोड़ा सा भी झटका लगा या पैर लगा तो इसकी टेल लाइट बहुत आसानी से टूट जाएगी, और उसकी थोड़ी क्वालिटी मुझे ठीक नहीं लगी है टेल लाइट की। बाकी सॉकअप बहुत शानदार है, सॉकअप में भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, और इसमें हो सकता है कि USD सॉकअप आ जाएं, USD फोक्स जो आ रहे हैं इंटरनेशनल वर्जन में वो अपने इंडियन वर्जन में भी आ जाएं। बात करते हैं भाई 2022 में बाइक को खरीदने की, तो बाइक आप खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है और बहुत शानदार बाइक है, मुझे माइलेज भी बहुत शानदार दिया है बाइक ने, और मेरा इतना ज़्यादा कॉस्ट लगा नहीं किसी भी सर्विस में, बस मुझे ब्रेक शू का कॉस्ट आया था 950 रुपये और ऑयल वगैरह का आता है, अभी ब्रेक ऑयल भी चेंज नहीं कराया मैंने क्योंकि ब्रेक ऑयल तभी से चल रहा है, कूलेंट वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डलाया। बाकी आप 2020 में बाइक खरीद सकते हो, मेरा मानना है कि आप खरीद सकते हो, यदि आपका इतना बजट है तो बिल्कुल निस्फिक्र हो कि आप बाइक खरीदो, बहुत ही शानदार बाइक है। तो होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।